अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना उस्मान है। ये जो सुबह से स्पैट चल रहे है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में, पूरी ये जो पूरा उज़्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं दो तीन बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले जो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उस्मान मलिक माई हस्बैंड हैज़ नथिंग टू डू विद मलिक रियाज हुसैन, ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज इमीजिएट फैमिली। ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं हसन, दिस इज़ अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान नियाजी एंड मलिक रियाज हुसैन, विच हसन खान नियाजी इज़ ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट। वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन की है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, दिस वॉज नॉट देयर हाउस, दिस वॉज माई हजबेंड्स अदर हाउस विच आई फॉलोड हिम टू। सो बेसिकली ये मेरे हजबेंड का दूसरा घर था जहाँ पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई अप्रोच्ड हर। इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, दे कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट अ वाइफ गोज थ्रू एंड हाउ हार्ड शी ट्राइज टू गो टिल द लास्ट पॉइंट टू सेव हर मैरिज। बट आई नो मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। आई नो ही इज द पर्सन हुज टू बी ब्लेम्ड द मोस्ट। उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात यह है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इतकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इतकाफ है जिस पे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं? लगातार मेरे पास प्रूफ है। ये इतकाफ पे बैठी, 10:30 बजे इतकाफ से उठी है, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा। ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बनने वाले इशू पे, यानी कि मलिक रियाज की बेटी और उज़्मा खान के दरमियान जो तनाज़ा बन गया है या जो तनाज़ा चला आ रहा है, उस हवाले से हम बात करेंगे। इससे कबल हम आपको बताते चलें कि इस हवाले से 2 वीडियो सामने आई थी। एक वो वीडियो जिसमें उज़्मा खान और उनकी बहन पर तशद्दुद किया जा रहा है, और दूसरी वो वीडियो जिसमें मलिक रियाज की बेटी आमना उस्मान अपना एक वजाहती बयान दे रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वो वीडियो जिसमें उज़्मा खान और उनकी बहन पर तशद्दुद किया जा रहा है। बकौल उज़्मा खान के चांद रात को जब वो इतकाफ़ से उठी तो उस्मान आए हुए थे, यानी कि मलिक रियाज के दामाद। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको इतकाफ़ की मुबारकबाद देने आया हूं और मुझे आपकी बहन ने बताया था कि आप इतकाफ़ बैठी हुई हैं, इसलिए आपको मुबारकबाद देने आया। फिर बकौल उज़्मा खान के ही उन्होंने का कहना था कि 5 मिनट बाद दरवाज़े पर नौक हुई और चंद मुसल्ला अफराद और कुछ ख़वातीन उनके घर में घुस आई और जिन्होंने उन पर तशद्दुद किया और फिर उन पर उनको धमकियाँ दी, फिर उन पर कुछ चीज़ छिड़की, तेल या पेट्रोल छिड़का और उन संगीन नतायज की धमकियाँ दी। सबसे पहले यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जब इतकाफ़ से उठने के बाद उस्मा खान को
उस्मान, मलिक ने ये कहा कि आप पास में बैठे, मैंने आपसे बात करी, आपको मुबारकबाद देने आया हूँ। और उसी दौरान नौक होती है दरवाजे पर, दस्तक होती है और मसल्ला जब गुंडे या गार्ड अंदर घुसते हैं, तो इसी असना में उस्मान मलिक कहाँ जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं या वो मिलकर उस्मान खान पर तशद्दुद करते हैं या वो कोई पिछले बैरूनी रास्ते से निकल के फरार हो जाते हैं। तो ये एक सवाल है जिसका ना तो उस्मान खान ने जवाब दिया और ना आमना उस्मान ने जवाब दिया। दूसरी बात उस्मान खान के हवाले से बात कर लेते हैं। उस्मान खान से किसी ने पूछा कि उस्मान मलिक से आपकी कितना अरसा हो गए हैं दोस्ती को, तो उनका कहना था 2 साल, यानी कि 2 साल आपकी दोस्ती इनकी और उस्मान मलिक की दोस्ती जारी है। जिसके हवाले से आमना उस्मान ने अपनी वजाहती वीडियो में भी कुछ सवालात खड़े किए थे। तो उस्मान खान का मौक़िफ़ यह है कि उनको इंसाफ दिया जाए, उन पर उनको संगीन किस्म के नतायज की धमकियां दी गई हैं, उनकी इज़्ज़त उछाली गई है और बार बार उनसे एक सवाल पूछा गया है कि क्या आप उस्मान के साथ आपके क्या कोई फ़िज़िकल रिलेशनशिप था, तो ये जिस की वजह से उनको काफ़ी एम्बेरसमेंट हो रही है और वो दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। ये था मौक़िफ़ था उस्मान खान का। और वीडियो पे आपने देखा होगा कि उस्मान खान के घर पर मुसल्ला अफराद दाखिल हुए, उनको धमकियां दी गई और उनके एब्यूसिव किस्म की लैंग्वेज यूज़ की गई जो किसी किस्म जो है किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। और साथ साथ सबसे बड़ी जो गंदी धमकी आप कह सकते हैं या एक धमकी नहीं देनी चाहिए थी कि कौमी इदारों को मुलव्वस करना, खातून कहती हैं कि हमें आपको ISI से उठवा देंगे, तो क्या ISI इसी काम के लिए रह गई है कि घरेलू तशद्दुद के या घरेलू जो तनाज़े हैं उनको हल करने के लिए अब ISI से काम लेना पड़ेगा? तो खुदारा अपने ज़ाती मामलात के लिए ISI को बीच में न घसीटा करें, वो एक इंटरनेशनल और पाकिस्तान की सबसे मंझी हुई एजेंसी है, तो उसका जो काम है उसको वही करने दिया करें, ऐसे ही गिदड़ बबकियाँ ना मारा करें। वीडियो पे हम दोबारा आते हैं और वीडियो के हवाले से बात करेंगे। अब उसी के बाद एक वजाहती, जब ये ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया कि मलिक रियाज़ की बेटी ने उस्मान खान के घर पर दावा बोला, उसे संगीन किस्म की नतायज की धमकियाँ दी और उसे जान से मारने की धमकियाँ दी और उसकी इज्जत को उछाला और उसके साथ बुरे तरीके से पेश आई और उसे गालियाँ निकाली, उसी के बाद मलिक रियाज़ की बेटी आमना उस्मान शायद उनका नाम था, उनकी तरफ से वजाहती बयान आया कि वो उनके शोहर उस्मान मलिक के और उस्मान खान के दरमियान रिलेशनशिप था जो हर जो शादीशुदा औरत के लिए काबिल कबूल नहीं होता। तो उनका हर वो हक था और उनका मौक़िफ़ था कि वो जो घर था जिसमें वो घुसी थी उनके शोहर का दूसरा घर था, इसलिए उनका हक बनता है कि वो वहाँ पर घुसें और उनको उनका राइट बनता है कि वहाँ पर घुसें। और उनका मौक़िफ़ ये था कि अपनी वीडियो में कि शादीशुदा औरत होने के नाते और अपना घर बचाने के लिए मैंने उसको पहले भी वॉर्न किया लेकिन वो नहीं मानी, जिसके बाद मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा और मेरा 11 साल का बच्चा है और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद किया जा रहा था, जिसके बाद मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा। तो जब उनसे उन्होंने अपनी वीडियो में यह भी नहीं बताया कि उन्होंने उस्मान को जो उनके शोहर हैं उनको क्यों नहीं पूछा, उनका उनका वीडियो में मौक़िफ़ था कि उस्मान को छोड़ दें। उस्मान खान से किसी ने पूछा कि उस्मान से आपकी बात हुई, उन्होंने कहा उस्मान को छोड़ दें, तो दोनों ख़वातीन उस्मान को छोड़ रही हैं, मतलब उस्मान का बीच में कोई नाम लेने को तैयार नहीं है कि जिसकी सारी गलती है, जिसने खाया पिया दोनों तरफ से और हज़म किया दोनों तरफ से, और उसका दोनों ख़वातीन ना उनकी बीवी और ना उनकी जो दोस्त या गर्लफ्रेंड उस्मान खान दोनों नाम लेने को तैयार नहीं है। तो फिर आपस की ख़वातीन की लड़ाई हो गई है और उस्मान खान उस्मान मलिक जो सबसे ज़्यादा कसूरवार है इस मामले में, उसका दोनों तरफ से नाम नहीं लिया जा रहा। तो अब आपको वीडियो का यही सिलसिला उसी से आगे बात करते हैं कि आमना उस्मान का कहना है कि वो अपना घर बचाने के लिए इस हद तक गई हैं, इससे पहले वो उस्मान खान को वान कर चुकी हैं और उन्होंने उन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने उन पर तेल छिड़का या पेट्रोल छिड़का, पेट्रोल या तेल नहीं था बल्कि वो कोकेन थी और उन पर छिड़की गई और वो यूज़ करती थी कोकेन, और उस्मान उनके अक्सर घर जाते थे, उनको फॉलो किया जाता था, मैं उनके आमना उस्मान का कहना था कि मैं उनको फॉलो करती थी, उनको जो उस्मान खान उनको 3-4 दफ़ा पहले बाज रहने की हिदायत की है, उनको इंस्ट्रक्शन दी है या उनको मैंने कहा है कि आप बाज आ जाएं लेकिन वो बाज नहीं आई हैं।
तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आमना मलिक या आमना उस्मान किसी हद तक उनका जवाब पैदा होता है कि अपना घर बचाने के लिए उस इस हद तक गई हैं। अगर कोई भी पावरफुल खातून होती तो लाजमी बात थी वो इस हद तक जाती कि अपना घर बचाया जा सके। आप अमीरजादों के तो जो हैं वो ये शौक रहते हैं कि वो मॉडल वगैरह या किसी भी एक्ट्रेस वगैरह के साथ उनके जो हैं वो दोस्ती रहती है, तो उसी का शाख्साना है कि उस्मान मलिक की दोस्ती थी उस्मान खान की, और बिलाखिर उस्मान खान को ये दिन देखना पड़ा कि एक तो उन पर तशद्दुद किया गया, उनको धमकियाँ दी गई, और अब बकौल उनके के उनकी जो है उनको तज़लील किया गया, वो किसी भी सूरत उनकी जो उनको तज़लील किया गया वो किसी सूरत वो भूलेंगे नहीं, और ना तो उनकी कोई अब तो उनकी एफ आई आर भी कट गई है। लेकिन जो सोशल मीडिया सार्फीन हैं उन्होंने खूब आड़े हाथों लिया, मुख्तलिफ दो राय कायम हुई कि मलिक रियाज की बेटी ने ज्यादती की, काफ़ी लोग इसमें आ गया है, ठेकेदार की बेटी के नाम से एक ट्विटर पर टॉप टेन भी बन गया। लेकिन गलती बहरहाल दोनों तरफ से थी। अगर अच्छे ज़्यादा गलती का जो कसूर आ रहा है मैं उज़्मा खान को कहूँगा कि एक आपको पता है कि शादीशुदा मर्द है, तो जाहिर सी बात है आप कह रही हैं मेरे साथ दो साल से आपकी दोस्ती है, तो दो साल की दोस्ती में आपको उनको पता होना चाहिए कि उनकी बीवी भी है और उनका घर भी है। आप अगरचे आप फोर्स कर रहे हैं, आपको पेंसस कर रहे हैं कि दोस्ती करने से, तो पहले उनको ये कहेंगे आपके जो बीवी बच्चे हैं उनका ख्याल रखें। लेकिन दौलत की इच्छा कुचौंध के आगे बहरहाल इंसान जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। दूसरी तरफ जो आमना उस्मान है मलिक रियाज की जो बेटी हैं और उस्मान मलिक की जो बीवी हैं, बात उनकी सही थी कि वो घर बचाने के लिए गई थी, लेकिन तरीक़ाकार उनका बिल्कुल गलत था। दोंस और दांदली ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होती। अगर चे आप में ताकत का नशा है, पैसे का नशा है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो चाहें कर लें। आपका हक बनता है घर बचाना, लेकिन इस तरह से आपका हक बनता नहीं होता। आप अपने घर के बड़े को बिठा लें, आप मलिक रियाज को बिठा लें कि आपका दामाद ये हरकतें कर रहा है, तो लिहाजा इसको समझाएं कि आपने खुद ही आपने कानून भी खुद बन गई, आप जज भी खुद बन गई, वकील भी खुद बन गई, और आपने जो है वो एक गुंडों वाला रवैया अपनाया और गुंडों के तरीके से आपने घर पर दावा बोला, लेकिन वो भी काबिल कबूल नहीं है। अब बहरहाल जो कंक्लूजन निकलती है वो ये है कि उस्मान खान को मलिक रियाज के जो दामाद हैं उनके साथ जो दोस्ती है उसका ही शख्साना या उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा। अगरचे दौलत की रेल पेल जो है वो बड़ी चमकदार होती है, लेकिन उसके नतायज कुछ यूं ही निकलते हैं। तो अपनी इस वीडियो के हवाले से हमें अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अपना जो है फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।